लाइफ। प्रणाम आदाब सत श्री अकाल राम राम नमस्कार। स्वागत है आप सभी का म्यूजिक वेरांडा में। और सबसे पहले तो आप सभी को शरद पूर्णिमा के हार्दिक हार्दिक बधाइयां। और अपने घर में खीर बनाइए, खूब खीर खाइए और भगवान को भोग लगाइए। और शरद पूर्णिमा इतना खास क्यों है? क्योंकि इस दिन जिन्हें हम प्यार का देवता कहते हैं, जिन्हें प्यार की स्मृति कहा जाता है, कृष्ण भगवान इस दिन रास रचाया करते थे। और ये आज हमारा म्यूजिक वेरेंडा सेलिब्रेट कर रहा है। वेरेंडा खुशियों का, संगीत का, झूमने का, हमारे त्योहारों का एक वेरेंडा जो हमारा पहल बन गया हमारे संगीत का, और जिसकी शुरुआत की थी महज 3 लोगों ने, अनिला रामपुरिया, गौरव जैन और गौरव भारद्वाज सर ने। तो अब ये इतनी बड़ी फैमिली हो गई है कि अब इसमें बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। हमारे एक बहुत भरा पूरा कह सकते हैं परिवार हो चुका है। और आज की शाम को सजाने के लिए हमारे बीच में एक ऐसे फनकार हैं, एक ऐसे लयदार हैं, जिनको अगर आप सुनेंगे, आंख बंद करके सुनेंगे, तो आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप उनको सुन रहे हैं या मधु मुकेश जी को सुन रहे हैं। मधु मुकेश जी ये इंदौर से हैं और ये मुकेश जी को बहुत ज्यादा गाते हैं। तो आप मुकेश जी और मधु मुकेश जी की आवाज में कभी फर्क नहीं लगा पाएंगे। तो स्वागत है मधु मुकेश जी आपका, प्रणाम करता हूँ थैंक यू आपको। दिवाकर भाई, थैंक यू सो मच। और ये मधु मुकेश नहीं, मतलब मुकेश जी का रहेगा वैसा करके, और कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपने। इतनी मेरी हिम्मत नहीं है कि मुकेश जी को टच कर सकूं मैं। ये आपका बड़ापन है जो आपने मेरे हौसला अफजाई कर रहा है, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपने कहा, वाकई में अनिला मैम, जीजे सर और रेणुका मैम वगैरह, मतलब ये ऐसे स्तंभ है अपने बरांडा के, कि जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा बरांडा अपना एकदम उस पर स्थापित है। और ये इसकी फाउंडेशन और बढ़ती चली जा रही है, और ये सदियों तक याद करा जाएगा बरांडा। इसमें कोई दो मत नहीं, आने वाली जनरेशन भी याद करेंगे कि कोई बरांडा इस टाइप से क्रिएट हुआ था, कोई लॉकडाउन भी हुआ करता था। क्योंकि ये हमारे तो बाप दादाओं ने कभी देखा नहीं लॉकडाउन, और हमने भी फर्स्ट टाइम देखा है लॉकडाउन वगैरह, क्वारंटाइन वगैरह क्या होता है, सब अभी अभी समझ पड़ी है। तो बहुत अच्छा ये फैमिली बन गया अपना, और इसके बगैर दिल नहीं लगता। ये तो आप भी समझते ही हैं, रोज अपनी मुलाकात होती है रात को। तो सबसे पहले आप बताइए दिवाकर भाई, क्या क्या सुने अब? आज सर चांद का तो दिन है, पूर्णिमा का, चैत्र पूर्णिमा का दिन है, पूरा चांद खिला हुआ है। तो आइए हम चांद के ही कुछ नगमे, चुनिंदा नगमे जो मुकेश जी रफी साहब के, कुछ मैं दोनों सुनाऊंगा आज। मैं वैसे तो मुकेश जी को गाता हूँ, पर रफी साहब को भी गाऊंगा, क्योंकि वो चांद ऐसा शीर्षक है कि आज विविध भारती पर एक प्रोग्राम था, मैं सुन रहा था, तो उन्होंने उसको शॉर्ट आउट करके 1965 तक का रखा था, कि 19 जब से मतलब 55 से लेकर 65 के गाने ही बजेंगे, क्योंकि चांद पर इतने गाने हैं कि वो भी उसको कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया, लिमिट कर दिया उन्होंने। तो आज भी हमारी भी लिमिट ही रहेगी, और आपको एंजॉय रहेगा बिल्कुल ऐसा करके। थैंक यू सो मच। तो तो हमारे सारे FB दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आज की शाम आपकी इतनी हसीन होने वाली है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बस अपनी कमर कस लीजिए और अपने कानों को आराम देते हुए प्यारे प्यारे संगीत का आनंद लीजिए। ओवर टू यू मधु मुकेश सर। थैंक यू दिवाकर भाई। तो सबसे पहला नगमा जो चांद शीर्षक पर है, और उसके बगैर चांद का या पूर्णिमा का कहीं कोरम पूरा नहीं होता है, तो हम वही गाना सबसे पहले ले रहे हैं। फिल्म हिमालय की गोद में, और आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये गीत है, कल्याण जी आनंद जी साहब का संगीत है। 1965 की ये फिल्म है, मनोज कुमार साहब पर ये फिल्माया गया था सॉन्ग। तो आइए हम सुनते हैं। आज चांदनी रात की बात हो रही है और चांद पूरा खिला हुआ है, अपने चरम पर है चांद की चांदनी। सो आज हम लोग सुनने वाले हैं चांद के ऊपर गाए हुए नगमे, वो भी मधु मुकेश जी की आवाज में। आज हमारा वेरांडा इतना फॉर्चुनेट फील कर रहा है क्योंकि मधु मुकेश जी को हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। सो इनके आवाज का जो जादू है वो फैलता रहता है।
चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में है ना शिकवे है ना वादे है। ना कसमें है ना रस्में है ना शिकवे है ना वादे है। एक सूरत भोली भाली है दो नैना सीधे सादे है। दो नैना सीधे सादे हैं ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही न बाटे मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही न बाटे मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना आप वो महलों के मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल मेरा रहना चाहे इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू। क्या बात है मधु मुकेश सर, मतलब मैं तो आपका बहुत पहले से ही बहुत बड़ा फैन रहा हूँ आपकी आवाज का। आपकी आवाज में एक जादू है जो बहुत जल्दी आकर्षित करता है लोगों को, और आज का थीम ही इतना स्पेशल है कि जो भी प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गाता है तो हमेशा चांद को ही देख के गाता है, चांद से अपनी प्रेमिका की तुलना करता है। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से गाने हैं जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गा रहा है तो चांद को देख के गा रहा है। सो ये थीम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या कहना चाहेंगे आप इस थीम के बारे में? बिल्कुल दिवाकर भाई, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ये शीर्षक ही ऐसा है कि इसकी किसी से भी जब तुलना की जाती किसी के मुखारविंद की, चाहे वो भगवान कृष्ण का हो, चाहे किसी सुंदरी का हो, चाहे किसी बालक का हो, तो चांद की एक उसे संज्ञा दी जाती है कि देखो चांद सर। और चांद की तो खैर क्या उसकी बात करें चांद की। तो आइए हम दूसरा नगमा लेते हैं फिल्म मुक्ति से, और आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, रविंद्र अपने आर डी बर्मन साहब का इसमें म्यूजिक है, और 1977 की फिल्म है। आर डी साहब के अपने वरांडा में हम मिस कर रहे हैं आज गौरव सर को और अपने ब्रह्मानंद सर को हम मिस कर रहे हैं, ताकि वो जो उनका जो एक वो था वैसा। तो आइए हम उनको ही डेडिकेट करते हुए गाते हैं गाना। क्या बात है, पंचमदा के कंपोज किया हुआ गाना, क्या बात है।
सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कभी फूलों के मौसम में कहीं हम तो भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कहीं ऐसा हो लग जाए दिल में आग पानी से, कहीं ऐसा हो लग जाए दिल में आग पानी से, बदल ले रास्ता अपना खटाए से, ये बरसातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। और उन्हें भगवान कहा जाता है, कंपोजिशन की दुनिया में भगवान कहा जाता है, और उसपे आपकी इतनी मधुर आवाज है सर, आप सही में एक अलग दुनिया में ले जाते हैं इंसान को, आप इतना फील करके इतना डूब के गाते हैं गाने को ना कि हम भी उसमें तैरना शुरू हो जाते हैं, तो ये आपका ऑरा है, आप इतनी पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजा आ रहा है आपको सुन के आज, और आपसे और नगमे हम सुनना चाहेंगे सर। अब दिवाकर भाई मैं रफी साहब का एक गीत उठा रहा हूँ और फिल्म का नाम उसका है अब्दुल्ला,
आज मिलादु नबी भी है तो आज अब्दुल्ला का गाना अपन लेते हैं गाना, और आनंद बख्शी साहब का ही लिखा हुआ फिर से गीत है ये, और आरडी साहब का ही फिर से म्यूजिक है इसमें, और 1981 की ये फिल्म है। आइए आज तो मतलब जितने भी लोग जो ओल्ड टाइम को मिस कर रहे हैं, उस गोल्डन एरा को मिस कर रहे हैं, आज तो वो सभी मंत्रमुग्ध होने वाले हैं, क्योंकि ये जो टाइम था, ये पीरियड था म्यूजिक का, ये गोल्डन पीरियड कहा जाता था म्यूजिक का। सो आज आज तो कमाल ही है, बस यही कह सकता हूं मैं। एक सेकंड। हाँ हाँ कोई बात नहीं, टेक योर टाइम सर। आज तो मतलब आज का जो थीम है उसके उसको सुनने के लिए तो टाइम ही टाइम निकाल लेंगे। कोशिश कर रहा हूँ दिवाकर भाई रवि साहब को निभाने की। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा, कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमीन, ऐसा फूल है कहीं, बाग ने कहा हर कली की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। हो चाल है के मौज की रवानी, जुल्फ है के रात की कहानी, होट है के आईने कमल के, आँख है के मेहंदों की रानी। मैंने पूछा जाम से फलक हो या जमी, ऐसा मैं भी है कहीं, जाम ने कहा मैं कशी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। क्या बात है मधु मुकेश सर, मतलब आप तो आपने आज मतलब सोच लिया है कि सभी को नचा देना है आज तो।
अरे सर मतलब जादू हैं आप, बिल्कुल जादू हैं, थैंक यू बहुत दिवाकर भाई। पर बहुत। मैं अब ये चाहता हूँ कि एक गीत मैं आपसे सुनना चाहता हूँ आज, चांद का कोई भी शीर्षक का गीत। आप भी बहुत बड़ी हस्ती हैं अपने आप में और शास्त्रीय संगीत के आप माहिर हैं। मैं तो फिर भी अरे एकदम सुगम संगीत या जिसको कहते हैं लाइट म्यूजिक का थोड़ा सा गलियों में घूमने वाला बाशिंदा हूँ, पर आप तो सरताज हैं क्लासिकल के, तो प्लीज आप कुछ सुनाइए। अरे नहीं नहीं सर, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हम तो बस एक छोटे से भक्त कह सकते हैं संगीत के, कि बस सेवा कर रहे हैं संगीत की थोड़ी बहुत। और जरूर आज का थीम इतना प्यारा है, तो मैं एक गाना जरूर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आपको सुन के इतना मजा आ रहा है, इतना अंदर से इतना अच्छा फील हो रहा है, तो मेरी भी वाइब्स आप तक पहुंचे ये मैं कोशिश करूंगा। हाँ तो दो चांद मैंने लगा दिए, दो आप लगाओ तो आज चार चांद लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गाना जो मैं गा रहा हूँ, ये शान ने गाया है, शान इस गाने को गाया है शान जी ने। और ये गाना पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट गाना है। ये गाना मैंने वाह क्या तब बात, सी ये गाना मैंने तब सीखा था जब मैं करीबन 9 साल की उम्र का था, तब वाह से मैं वाह। ये गाना गा रहा हूँ। है जो इरादे बता दूँ तुमको, शर्मा ही जाओगी तुम। धड़कने जो सुना दूं तुमको, घबरा ही जाओगी तुम। हमको आता नहीं है छुपाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बताया। क्या बात है क्या बात, शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। हो चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। सुभान अल्लाह थैंक यू सो मच। वाह दिवाकर भाई वाह दिवा, प्यास और बढ़ा दिया आपने तो। मेरे को लग रहा है कि एक से काम चलेगा नहीं, तो हाँ एक आधी नगमा मैं आपसे और सुनना चाहूंगा। उसके पहले एक मैं बहुत अच्छा नगमा फिल्म लाल बंगला से लेता हूँ, हिंदी वर्ष बिल्कुल आपका लिखा हुआ और उषा खन्ना जी का इसमें म्यूजिक है, 1966 की फिल्म है। और हिंदी वर्ष आपका जो एक्चुअल नेम है वो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, श्याम लाल बाबू राय नाम था उनका, पर वो हिंदी वर्ष साहब थे। तो मैं ये भी अपने दर्शकों के साथ में साझा करना चाहूंगा और फिल्म लाल बंगला से ये गीत मैं आपके समक्ष ले रहा हूँ। कोई चको ओ चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चको। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शो ओ चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चको। गुरु गुरुजी आपको प्रणाम बहुत बहुत। दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की बढ़ती जाए बढ़ती जाए। दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की
बढ़ती जाए, बदली क्या जाने है पागल, किसी के मन का वो हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथ ही भूल न जाना, भूल न जाना। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथ ही भूल न जाना। मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी अपनी जीवन डोर, हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर, हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। थैंक यू। क्या बात है मधु मुकेश सर, चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। बहुत ही प्यारे बोल इस गाने के, और जितने प्यारे बोल हैं, जितना प्यारा ओरिजिनली गाया गया है, उतना ही खूबसूरती के साथ आपने इस गाने को निभाया। बहुत आनंद आ रहा है सर आपको सुन के, और मैं तो चाहूंगा कि आप कंटिन्यू गाते रहें, मेरे को बीच में बोलने की जरूरत ना पड़े, आप कंटिन्यू गाइए सर। ओके 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 ओके। नहीं, मैंने ऐसा बोला, मैं इसके पीछे भी एक कारण है इसके पीछे भी मेरा एक स्वार्थ छुपा हुआ है एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज है, लेकिन आपको सुन के तबीयत एकदम खुश हो गई। हाँ। नहीं नहीं नहीं, तबीयत आपकी नासाज नहीं, तबीयत बहुत बढ़िया है आपकी। अभी जो आपने गीत गाया वो तबीयत खराब में नहीं गा सकता आदमी। वैसे मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। आप बचना चाहते हैं एक अलग बात, गुरुजी का आशीर्वाद हम पर भी है। गुरुजी प्रणाम बहुत बहुत आपको। और आइए हम रफी साहब का एक और गीत लेते हैं, चौधरी का चांद शीर्षक फिल्म से, शकील बदायूं साहब का लिखा हुआ और रवि जी का संगीतबद्ध किया हुआ, 1960 का ये गाना, आइए लीजिए। चांद की बात हो और चौधरी का चांद गाना ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत गाना। चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौधरी का चांद हो, जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें है जैसे मैके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौधरी का चांद हूँ
चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदवी का चांद हो। होठों पे खेलती है तबसुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदवी का चांद हो। थैंक यू सो मच। क्या बात गुरुजी ने भी आपको थम्स अप दिखा दिया, मतलब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बात और मेरे लिए क्या, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। बेहतरीन बेहतरीन गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। हमारे एफबी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये हमारे वेरेंडा के गुरु हैं, जिनसे हम सभी लोग सीखते हैं। हमसे अगर कहीं भी कोई त्रुटि होती है तो हमें गुरुजी का फीडबैक मिलता रहता है, इनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, और इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज वेरेंडा इतना बेहतरीन काम कर रहा है। शायद म्यूजिक वेरेंडा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसने पूरे कोविड टाइम में सभी हर जगह से पॉजिटिव एनर्जीज भेजी हैं, और ये सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से, अनिला मैम के संघर्ष, जीजे सर के संघर्ष से ही मुमकिन हो सका है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड विशेस। और आगे भी हम मधु मुकेश जी से कुछ नगमे सुनेंगे। दिवाकर भाई, अब मैं ले रहा हूँ फिल्म फूल बने अंगारे से गीत, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी साहब का म्यूजिक, 1963 की ये फिल्म, और गीत आपके सामने है। चांद आहे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, चांद आहे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बाचली हो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहे भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझु तेरे बदनाम लेंगे, कैसे फिर चैन तुझु तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम ले, चांद आहे भरेगा। आंखें नाजुक सी कलियां
बातें मिस्री की डलिया ओठ गंगा के साहिल तुल्पे जन्नत की गलिया तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे चांद आगे भरेला चुप न होगी हवा भी कुछ कहेगी घटा भी और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी फिर तो पत्थर शायद जब्त से काम लेंगे फिर तो पत्थर शायद जब्त से काम लेंगे उसम की बात चली तो सब तेरा नाम लेके चांद आगे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेके चांद आगे भरेगा। थैंक यू। क्या बात है मधु मुकेश सर, चांद आहें भरेगा आए हैं। कितने कितने खूबसूरत लिरिक्स हैं इसके, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास इस गाने को। अगर मैं अपने शब्दों में बयां भी करना चाहूं तो मैं नहीं बोल सकता इस गाने के लिए। बहुत बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं इस गाने के और उतना ही खूबसूरती से आपने गाया इस गाने को। तो ये मेरे को एक छोटी सी चीज जाननी थी, आप इतना फील लाते कहां से मुझे ये जानना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है दिवाकर भाई, ये सब ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती की गुरु जी का आशीर्वाद है और उसके बगैर कुछ संभव नहीं है सब चीजें। तो हम तो एक बस निमित्त है, थोड़ा सा गुनगुना रहे हैं, कोशिश प्रयास कर रहे हैं, बाकी उस माँ भगवती के सरस्वती की असीम कृपा है। और कहीं एक मैंने किसी से एक थोड़ा सा एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि किसी को तख्त देती है किसी को ताज देती है, किसी को तख्त देती है किसी को ताज देती है, और जब अपने वाली पे आ जाए तो आवाज देती है। क्या बात। तो क्या ये बात? जब माँ की बहुत ही तीव्र इच्छा, मतलब बहुत ही, तो ये समझ लीजिए आप बहुत बहुत खूबसूरत। अब मैं एक दिवाकर भाई एक डुएट लूं जिसमें फीमेल वॉइस ऑलरेडी है उसमें, तो मैं एक डुएट लेना चाहूंगा, बहुत अच्छा नगमा है। फिल्म का नाम है राजहट और शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ गीत, शंकर जयकिशन साहब का संगीत, वो 1956 की एक फिल्म है। तो एक डुएट लेते हैं फिर उसके बाद एक सोलो लेते हैं, फिर जैसा समय होगा वैसा काम का। सो आज जो भी गोल्डन एरा को मिस कर रहे हैं आज उनके तसल्ली पहुंचे। थैंक यू। ये वादा करो चांद के सामने भुला तो न दोगे मेरे प्यार को, ये वादा करो चांद के सामने भुला तो न दोगे मेरे प्यार को, मेरे हाथ दे दो जरा सारा मेरे दो मेरे प्यार को, ये वादा करो चांद के सामने। ये चंदा ये तारे तो छुप जाएंगे मगर मेरी नजरों से छुपना ना तुम,
ये चंदा ये तारे तो छुप जाएंगे मगर मेरी नजरों से छुपना ना तुम ये वादा करो चांद के सामने भुला दो न दोगे मेरे प्यार को ये वादा करो चांद के सामने बहारों के साए में आ झूम ले भुला दे जमाने के गम आज तो बहारों के साए में आ झूम ले भुला दे जमाने के गम आज तो ये वादा करो चांद के सामने भुला तो न दोगे मेरे प्यार को मेरे हाथ दे दो जरा सहारा मिलेगा मेरे प्यार को ये वादा करो चांद के सामने थैंक यू अरे खत्म हो गया क्या क्यों खत्म हुआ अरे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इतने प्यारे लिरिक्स जब होते हैं गाने के और इतनी प्यारी कंपोजिशन होती है तो इंसान का मन नहीं करता कि वो बंद हो या रुके वो ऐसा लगता है वो कंटिन्यू चलता रहे और आज तो इतना मतलब है मैं दावे से कह सकता हूँ आज जो भी ओल्ड सॉन्ग्स को मिस कर रहा होगा ना आज उसके दिल को इतना शांति मिली होगी मैं बता नहीं सकता और आपके सॉन्ग कलेक्शन के लिए मैं एक बार ताली बजाना चाहूंगा मुकेश सर बहुत खूब बहुत मजा आ रहा है और मेरे को एक छोटी सी गजल याद आ रही है अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको सुनाना चाहूंगा आपसे तो इजाजत आपको ही वेलकम कर रहा हूं कि अब एक आप सुनाइए कुछ उसके बाद फिर एक गीत और लेंगे और फिर अपन देखते हैं क्या जी तो ये गजल नाम है इस गजल का नाम है चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला गुलाम अली खान साहब की गजल है और बड़े ही उम्दा तरीके से गाई गई कोशिश है मेरी एक छोटी सी जी, और अगर माफी होगी अगर नहीं, मेरे नहीं, से आपका एक चांद बाकी अभी तीन चांद लगे चौथा आप लगाइए ओके चमकते चांद को चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला इसका अंतरा मुझे बड़ा पसंद है और तवज्जो चाहूंगा मुकेश जी आपसे मैं इस दुनिया को अक्सर देख कर हैरान होता
मैं इस दुनिया को अक्सर देख कर हैरान होता हूँ, न मुझसे बन सका छोटा सा घर, दिन रात रोता हूँ। खुदाया तूने कैसे ये जहां सारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। बहुत शुक्रिया। और मैं तो आपके सामने एक छोटा सा बोध बालक हूँ। बहुत खूब, बहुत छोटा सा एक प्रयास था मेरा। क्या बात, कल चौदहवीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। क्या बात है, बहुत भाई। एक बहुत प्यारा नगमा है, लेकिन वो डुएट है, पर उसका मैं एक अंतरा जरूर लेना चाहूंगा आज के दिन। और फिल्म है एक बार मुस्कुरा दो, और उसका एक अंतरा मैं जरूर लेना चाहूंगा। मुकेश जी का बहुत अच्छा नगमा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा मजा है। चेहरे से जरा चल जब आपने सर काया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। चेहरे से जरा चल जब आपने सर काया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। माना के वो हीरा हो, मुश्किल से जो हाथ आए, कितना भी न तड़पाओ के जान निकल जाए। छोड़ो जी नन्ना ये झगड़े, नन्ना छोड़ो जी अब ये झगड़े, एक बार मुस्कुरा दो, तकदीर है क्या अपनी, मैंने जो तुम्हें पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। चेहरे से जरा चल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। थैंक यू दीपक, थैंक यू। यहाँ बात है मधु मुकेश सर, मतलब आपने सही में आज आज के जो थीम है हमारा उसको सिद्ध कर दिया। बहुत बहुत मजा आ रहा है सर आपको सुन के। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एफबी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि समय की भी पाबंदी है हमारे पास, और एक घंटा होने को है हमारे इस लाइव स्ट्रीम को, लेकिन हम अभी एक तो नगमा और सुनेंगे मधु मुकेश जी से, क्योंकि अभी तो प्यास चली है। एक नगमा और लेंगे बस, इसके बाद एक नगमा और, उसके बाद फिर अपन वापस चलेंगे बरांडा में। तो एक नगमा और मैं सुनाना चाहूंगा जी। तो मैं कह रहा था कि अभी तो दिल की प्यास बुझी है, अभी तो पानी आने में देर है, अभी तो दिल की प्यास जगी है, पानी आने में देर है, हम तो अभी यहीं बैठे हैं, आपकी नजर किस ओर है। क्या बात है, क्या बात है। तो दिवाकर भाई, अब अगला नगमा और आखिरी नगमा मैं कहूंगा कि फिल्म अनीता से है ये, क्या बात। और हाँ, और आरजू लखनवी साहब का लिखा हुआ गीत है ये, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का म्यूजिक है, और 1967 की फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन नगमा है, आइए सुने। चलिए। अनीता
जिस मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, देख के जिनको नींद उड़ जाए वो मत वाली आंखें हैं, गोरे गोरे। से पल्ला क्या सरकाना, से पल्ला क्या सरकाना, इस बादल में बिजली है, दूर ही रहना दूर ही रहना दूर ही रहना, इनसे कयामत ढाने वाली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। बेजिन के अंधेर है सब कुछ, बेजिन के अंधेर है सब कुछ, ऐसी बात है इनमें क्या, आंखें 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 आंखें, सब है बराबर कौन निराली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। बेदेखे आराम नहीं है, बेदेखे आराम नहीं है, देखे तो दिल का चैन गया, देखने वाले देखने वाले देखने वाले यूं कहते हैं, भोली भाली आंखें हैं, देखने दिन के नींद उड़ जाए वो मत वाली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। थैंक यू। क्या बात मधु मुकेश सर, आपने तो मतलब इस शाम को इतना रंगीन कर दिया, सब सब जितने भी हमारे एफबी व्यूअर्स है सभी लोग झूम रहे हैं आपके गीतों में, इतना खो चुके हैं, उनको इतना आनंद आ रहा है। मैं पर्सनली यहाँ पर बैठ के
मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं वर्चुअली आपको सुन रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है आप साथ साथ मेरे सामने बैठे हुए, मैं आपको लाइव सुन रहा हूँ अभी। बहुत थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की अंतिम पेशकश, और अब आप जैसा चाहे दिवाकर भाई, आप कुछ सुनाना चाहे आखिरी की दो पंक्तियां कुछ तो हो जाए। मैं थोड़ा सा अभी तबीयत की वजह से मेरे दिक्कत आ रही है, मेरे थ्रोट में दर्द है, लेकिन मैं बहुत जल्दी स्वस्थ होके फिर से आपके साथ मेरे को गाने का मौका मिलेगा तो मेरा सौभाग्य होगा सर ये। और बहुत मजा आया सर आज की शाम, आपने इतनी हसीन कर दी, और शरद पूर्णिमा आज ऐसा लग रहा था कि मतलब बस चांदनी में डूबे हुए हैं हम लोग। मैं उन सभी का एक बार शुक्रगुजार हूँ, अनिला मैम का, जीजे सर का, रेणु जी का, गुरु जी का, दिवाकर भाई खास करके आपका, आपने जो कंपनी दिया, जो समा मेरे साथ बांधा है आपने, और जो मुझे हौसला अफजाई की, तो उसका बहुत 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 शुक्रिया दिल से आपको। और इसी के साथ दिवाकर भाई इजाजत लेते हैं हम सभी हमारे दर्शकों से, और जैसा भी उनका कमेंट आया हमें बताइए, कुछ अगर गलतियां हमने की हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और जाने से पहले मैं गुरु जी से भी चाहूंगा कि दो शब्द वो कहें आज की शाम के बारे में। जी गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत आशीर्वाद दिवाकर, और आपको भी मधु मुकेश जी नमस्कार, आपको मेरा शुभकामना है, आपको बेहतरीन प्रोग्राम आज का रहा है ये, आज का शाम, और ये जिस तरह से इस मौके पर जिस तरह से आपने गाने की शमा बांधा है बेहतरीन, और मैं कहूँगा आप तो खैर बेहतरीन है ही, आप खुद चांद की ईद है, अब मैं क्या बताऊँ आपको, खुद ही आप इतना बेहतरीन कर दिया आपने प्रोग्राम्स को गा के, और बेहतरीन गाना गा, मैं सुन रहा था आपकी, और आप तो म्यूजिक बैंडा के एक शाइनिंग स्टार है, एक प्रकार से शाइनिंग स्टार है आज के डेट में, और ये ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, तो उस टाइम के जो गाना आप गा रहे हैं ये बहुत कुछ है, इस गानों के अंदर बहुत कुछ है, कई सारे कंपोजिशंस निकलते हैं चीज से, ठीक है ना। तो ये आज के न्यू जनरेशन के लिए गाना से को पता भी नहीं है लोगों को, तो अब पता चल रहा है, कहाँ से पता चल रहा है, म्यूजिक बैंडा प्लेटफॉर्म से पता चल रहा है। अगर आज म्यूजिक बैंडा नहीं होता, ना राइटर्स के बारे में पता चलता, ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में चलता, बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन है जिसको नाम नहीं जानते बच्चे आज के डेट में, वही अरिजीत सिंह जानते हैं, वही दो चार लोग नाम जानते हैं, लेकिन नहीं पता उस टाइम के संगीतकार, उस टाइम के म्यूजिशियन के संगीत कंपोजिशन। तो ये आपने बहुत बेहतरीन आप जो गा रहे हैं, समझे कि मुकेश जी, लग रहा कि अभी भी मुकेश जी हैं, गए नहीं, मुकेश जी हैं। और मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे संगीत हमारे शरीर में प्राण है ना, तो संगीत को ये समझे कि हमारा प्राण है, जब संगीत को प्राण से तुलना करेंगे ना, तो संगीत हमेशा सदा अमर रहेगा, आपका जीवित रहेगा। तो इसी तरह से संगीत को सभी लें और सभी गाएं, और जो म्यूजिक बैंडा संगीत भी फेसबुक के जितने भी इसमें व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, इस चीज को समझना चाहिए, और घर घर तक ये पहुंचे संगीत, सभी आदमी जुड़े यहाँ पे संगीत की। मैं आपके यही मैं मैसेज देना चाहूंगा म्यूजिक बैंडा पे, और बेहतरीन ये मधुर ध्वनि से जो आप सबको मन मतलब मोहित कर दिया आपने सबको, तो मैं आपसे कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आज का शाम आपने बहुत ही खूबसूरत कर दिया, शुभकामना है, आप ऐसे ही गाते रहे, ऐसे ही नई नई जनरेशन को आप मैसेज देते रहे, और जब भी आप ऐसे बीच में प्रोग्राम आके आप गुनगुनाते रहे इस म्यूजिक बैंडा प्लेटफॉर्म पे, मेरा बहुत बहुत शुभकामना आपको, आशीर्वाद। गुरु जी बहुत शुक्रिया। एक प्रोग्राम ऐसा करेंगे जो बिल्कुल कैंसल नंबर से, जो कभी किसी ने सुना ही नहीं होंगे, एक प्रोग्राम वरांडा पे ऐसा करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल होगा, हम हर तरीके के थीम्स लाते रहते हैं, नए नए थीम्स रोज हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सो आज का थीम था हमारा चांद थीम था, और आज बहुत ही मजा आया मधु मुकेश सर के साथ, एक पल को तो ऐसा लग रहा था कि हम साक्षात मुकेश जी को सुन रहे हैं, बहुत मजा आया। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जीजे सर हैं, अनुराग सर हैं, जो इतना अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बना के देते हैं हम सभी को, जो आप लोग देखते हैं, पोस्ट्स देखते हैं हमारे म्यूजिक वरांडा पे, जीजे सर का धन्यवाद देना चाहूंगा, टाइमली लाइव स्टार्ट कर देते हैं वो, और हमारे टेक्निकल में बहुत ज्यादा सपोर्टिव इंसान है जीजे सर, तो उनको दिल से धन्यवाद, और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ऑल एफबी व्यूवर्स का, जो इतना प्यार आशीर्वाद हमें हमेशा देते हैं और हमें बहुत इंकरेज करते हैं, हमारी कमियों को भी कभी कभी बताते हैं कि हमें जो गलतियां हैं हम उसे सुधारें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और आज की शाम बहुत खूबसूरत गुजरी, आई होप आप सभी को मजा आया होगा, और इसी के साथ अब विदा लेते हैं, क्योंकि जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन कहते हैं ना कि रीत है, जाएंगे तभी आएंगे दोबारा से, तो आज की शाम के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बी सेफ, बी एट योर होम, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाने सुनते रहिए और सुनाते रहिए। थैंक यू सो मच।
This is your host and those Divakar Chaube signing off. Bye bye. Shubh Ratri, Shabba Khair.